कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं अभी फ़िलहाल खड़ी हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है नाश्ता सभी के लिए। तो बस आज मैं नाश्ते में बनाऊँगी आलू के परौंठे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे आलू और प्याज मिक्स कर लिए हैं और आटा भी मेरा गूंथ चुका है, सब्जी भी तैयार हो चुकी है। तो अभी ग्लास में डाल के रख दिया है मैंने दूध गर्म करने के लिए। तो बस अभी बनाऊंगी इन सब के लिए नाश्ता और आप सभी के साथ भी मैं शेयर करूंगी। और बस ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, अब आगे कंटिन्यू ये चलता रहेगा। तो चलिए अभी फटाफट से हम पराठे बना लेते हैं। दूध गर्म करने के लिए दूसरी तरफ बना रही हूँ मैं पराठा। और बस आजकल हम सरसों के तेल में पराठा बना रहे हैं क्योंकि रिफाइंड आजकल ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो बस इनके लिए ही बनाती हूँ वैसे मैं सरसों के तेल में, अपने लिए तो हम लोग रिफाइंड में ही बनाते हैं क्योंकि मुझे सरसों के तेल के जो पराठे हैं बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। और चिंता में अपने लिए ना आलू तो टूट गया है, आलू से मैंने भरा हुआ है ज्यादा, क्योंकि ये लोग जो आलू के पराठे हैं वो तभी पसंद करते हैं जब इसमें आलू भरपूर हो। तो बस इसमें मैंने आलू ज्यादा भर दिए हैं और अभी ये चले गए हैं नहाने के लिए। तो भी मैं फटाफट झटापट बनाती हूँ पराठे। पराठे अगर क्रिस्पी ना हो तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है पराठे में, तो क्रिस्पी पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए अभी मैं फटाफट से पराठे बना लेती हूँ, दूध भी मेरा गर्म हो चुका है। देखो छुपी रुस्तम क्या कर रही है पियू, इस फोन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती ना। मैं गेम खेल रही हूं। हाँ पूरा दिन बस गेम खेलना है। और कंघी क्यों नहीं करी? कंघी? हाँ अभी मैं गेम खेल रही हूँ इसलिए नहीं करी। दिखा कौन सा गेम खेल रही है? कार वाला है। और पियू का बस यही काम है पूरा दिन गेम खेलना, पढ़ाई तो करनी नहीं है। और कल से एग्जाम है ना तेरे? हाँ। है ना, मैंने बोला था पढ़ने के लिए क्यों नहीं पढ़ाई की तूने, कब करेगी? पक्का ना? हाँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का? चलो अभी कंघी करो और क्लिप लगाओ। अभी तो मैंने कंघी की थी, तूने क्लिप क्यों नहीं लगाए? क्लिप क्यों नहीं लगाए? रात को लेके आई हूँ और सैनिटाइज करके रख दी है ये सारी सब्जियां मैंने, बस अभी इनको धोऊंगी। और कुछ है इसमें तो इसमें है, अभी दिखाती हूँ एक मिनट, इसमें है ये इतनी सारी गाजर और गोभी, देखिए कितनी सारी गोभी लेके आई हूँ। तो गाजर मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि रायता बहुत अच्छा लगता है गाजर का, तो रायता बना लेंगे, जूस बना लेंगे। और ये देखिए एक खट्टे लेके आ गई हूँ आलू और गोभी के पकोड़े वगैरह बन जाएंगे। और ये लेके आई हूँ टमाटर, टमाटर का जूस बना लेंगे हम लोग, बहुत अच्छा लगता है टमाटर और गाजर का जूस। तो बस अभी मैं इनको अच्छे से धो लूंगी और फिर उसके बाद थोड़ा देर धूप में रखूंगी। तो चलिए अभी सब्जी धो लेते हैं।
हूँ आप सबको मैंने क्या क्या शॉपिंग की है विशाल मार्ट से, क्या क्या मैं लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं, तो ये वाला है फिनाइल और अच्छा है ये, और मैंने इसको दूसरी बार यूज कर रही हूँ। और दूसरा वाला है ये टॉयलेट क्लीनर, तीसरा वाला है जेल बर्तनों के लिए, तो बहुत अच्छे हैं ये, तो मैंने ये दूसरी बार लिए हैं विशाल मार्ट से। और अब इसके बाद मैं दिखाती हूँ कपड़े, मैंने क्या क्या कपड़े खरीदे हैं। तो टी शर्ट मैंने ज्यादा ली है डेली यूज के लिए, तो ये देखिए एक टी शर्ट तो ये है, और दोनों बच्चों का जो साइज है एक हो रखा है, क्योंकि भाभी है पतली और पीहू है थोड़ी हेल्दी, तो दोनों का साइज एक है, तो एक टी शर्ट ये है। वैसे तो दोनों बच्चों ने अपने अलग अलग कपड़े बांट लिए हैं, एक टी शर्ट ये है, और ये स्पेशली मैंने भाभी के लिए लिए है क्योंकि ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें यहाँ पे बटन लगे हुए हैं और बहुत अच्छी थी, लेकिन भाभी को ये पसंद नहीं आई है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी भाभी इसको। और एक टी शर्ट ये है, और रेड कलर तो मेरा फेवरेट है। सो इसमें दो कलर थे, एक येलो कलर था एक रेड कलर, तो येलो मेरे पास दो हो चुकी हैं भाभी पीहू के पास, और येलो बहुत पहन चुकी है ये, तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा रेड लेके आई हूँ। तो एक टी शर्ट ये है येलो कलर की, और ये मैं लेके आई थी भाभी के लिए, लेकिन भाभी को नहीं आ रही है ये पसंद, तो इसको पीहू पहनेगी। और टी शर्ट सारी ही अच्छी है, एक टी शर्ट मैं ये वाली लेके आई हूँ, इसमें बने हुए हैं सारे रोबोट ही रोबोट। तो एक टी शर्ट ये है, और ये है जैगिंग, तो ये लेके आई हूँ मैं भाभी के लिए। वैसे मैं लेने तो गई थी पीहू के लिए, लेकिन ये भाभी के नाप की है, तो ये इसके साथ मैच कर रही है, इसके साथ ये मैच करेगी। तो बस अभी मैं ये कपड़े लेके आई हूँ, दो जोड़ी मैं कपड़े लेके आई हूँ जो मेरे शक्कर चावल आएंगे उसके लिए, क्योंकि मम्मी वहां से मुझे खरीद के नहीं देती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की पसंद होती है अपनी अपनी, तो इसीलिए मम्मी वहां से मुझे पैसे देती है। तो अभी मैं पहले ही बच्चों के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि होली आ रही है नजदीक, तो वो मैं आपको जब भी दिखाऊंगी, जब मेरे शक्कर चावल आएंगे तभी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी, तो वो मैंने अलग उठा के रख दिए हैं। तो अभी मैंने इतने सारे कपड़ों की है शॉपिंग, ये देखिए, तो सारी ही टी शर्ट है, तीन पैंट मैं लेके आई थी, दो टी शर्ट अभी मैंने नहीं दिखाई है, तो वो मैं तभी दिखाऊंगी। तो ये है मेरी शॉपिंग, आई होप आप सभी को मेरी ये छोटी सी शॉपिंग पसंद आई होगी, पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, हो सके तो शेयर भी कर देना। तो यहाँ देखिए अभी पीहू ने अपना मास्क वॉश किया है, और यहाँ पे ये सुखा के चली गई है, इसको कहीं जगह नहीं मिली है, तो अभी मैं इसको हटाऊंगी और अपना जो ये शॉपिंग है ये सब सुनाने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।